अमित अच्छा सर, तो मोटिवेशन देते होंगे हर रोज एक दो दिन में, दो तीन दिन में? तो मैंने कहीं यूट्यूब, सोनू शर्मा सर को जानते हैं जो यूट्यूब में मोटिवेशन देते हैं? संदीप महर्षि। हाँ, तो मैं मतलब काफ़ी वीडियोस देखे मैंने उनको। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी घर की परिस्थिति, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अगर इनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आता तो दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आप खुद के स्वयं मोटिवेट करें। सर को आपने देखा होगा कि रोज मोटिवेशन देते हैं या एक दो दिन में देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि सर भी ये बात जानते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। आज आप सुबह मोटिवेशन काम करेगा, एक दिन काम करेगा, दो दिन काम करेगा, तीन दिन काम करेगा, लेकिन आप जब तक स्वयं को मोटिवेशन नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। टारगेट फिक्स करो डेली का, छोटा छोटा टारगेट, मतलब कि कुछ भी, तो उस टारगेट को पूरा कर लो बस, एक एक दिन का ना। ये नहीं कि एक महीने का बनाओ, कभी नहीं पूरा होता। तुम टाइम टेबल बनाओगे, 10 बार बनाओगे, 20 बार बनाओगे, वो कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन छोटे छोटे अगर टारगेट बनाओगे कि आज मुझे इतना चैप्टर, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तो पूरा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8-8 घंटे के स्लॉट बनाइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे खूब घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए। बहुत अगर आप 8 से 12, शाम 8 से 12, दिन भर घूमो, केवल 8 घंटे पढ़ना है आपको दिन में। 4-4 घंटे के 2 स्लॉट बना लीजिए, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, 8 घंटे इनफ होता है। अगर हफ्ते में आप 6 दिन भी पढ़ रहे हैं, इनफ है। संडे या कोई और दिन निकाल लीजिए, खूब घूमिए, उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, एक शब्द नहीं पढ़ना, घूमिए फूरिए खूब दोस्तों के साथ, मौज मस्ती करिए। संडे में 1 दिन दीजिए, बाकी 6 दिन पढ़िए अपना, 8 घंटे सोइए प्रॉपर इनफ, और 8 घंटे पढ़िए। शाम को 6 से 10 तो पढ़ता ही नहीं, मैं रोड पे दिखाई देता था, देखता। तो बहुत से लोग मोहल्ले वाले कहते हैं कि इनका कैसे हो गया, तो बताया ना कि वही चीज़ है कि कोई जो थोड़ा कि दिन भर तुम किताबी कीड़ा क्या है, पढ़े रहो जैसा कह ही रहे हैं आप, बढ़िया 8-8 घंटे का सब कुछ कर दीजिए। 8 घंटे में हमें सोना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटा अपना इंजॉय कर लीजिए, 8 घंटे बहुत हो गए, 8 घंटे ही पढ़ लें तो बहुत लग रहा है, 8 घंटे नहीं हो पाता कई बार, रेगुलर नहीं हो पाता। और कुछ बढ़िया प्रश्न था, अच्छा पूछा। और कोई प्रश्न पूछेंगे तो आपका भी हेजिटेशन दूर होगा, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा, लड़ाई लंबी हो, जी संघर्ष तो करना पड़ेगा। हाँ। बाकी आप लोग हिसाब से कोर्स होने के बाद कैसे कहीं से भी कोर्स हो गया? हाँ। मैंने उसके बाद जो मेन कहानी चालू थी कोर्स खत्म होने के बाद, उसकी लड़ाई आपने कैसे लड़ी? ये तो मैंने भी फेस किया था कि जब तक कोचिंग आता था अपना बढ़िया चलती थी, मतलब पढ़ाई भी अच्छी खासी होती थी, उसी बीच फिर लॉकडाउन लग गया था, तो कोचिंग वगैरह क्या सब बंद हो गया था, फिर लॉकडाउन में घर पे ही रहना पड़ता था। तो लॉकडाउन में मैंने काफ़ी पढ़ाई किया था, अकेले करनी पड़ती थी। इसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया था मेरा, फिर मतलब देखा कि पढ़ाई नहीं हो पाती थी अकेले, फिर मतलब क्लब बनाया था मैंने, और क्लब में ज़्यादा बच्चे नहीं रखे थे कि 15-20 बच्चे हों, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बच्चे रहते थे, और वो जो मतलब कि अपने साथ वाले हों, जहाँ मतलब अपना जो सिलेबस दिया जाए अपने मन के मुताबिक पढ़ लिया जाए। तो क्लब ही एक मुझे ऐसा बेटर ऑप्शन लगा था कि
जिससे हाँ मतलब कि पढ़ाई कंटिन्यू रह सकती है, और बाकी टेस्ट वगैरह भी करते रहते थे मैथ के, रीजनिंग के, और हाँ हफ्ते में एक दिन टेस्ट रखते थे मैथ रीजनिंग के, और बाकी 6 दिन अपना GS और हिंदी चलती रहती थी, वही जो सर के नोट्स थे उन्हीं को रिवीजन करते रहते थे, क्योंकि मोस्टली क्लब में बच्चे URD के ही थे, किसी कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, तो मुझे लगता है क्लब एक बेटर ऑप्शन है कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। क्लब के अलावा स्पीड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीड टेस्ट देने के बाद उसका जो मतलब एनालिसिस है वो और ज़रूरी है, ये नहीं कि टेस्ट देते रहो नंबर आए तो ठीक है, नहीं तो हटाओ दूसरा जो नया, जितने मतलब अगर 50 का है तो अगर आपको 30 आ रहा है तो 30 से मतलब नहीं, आपको जो 20 बचे हैं उसको दोबारा ना गलत हो, कोशिश हो कि वो दोबारा गलत ना हो, तो एक टाइम के बाद आपके स्कोर मतलब बढ़े। सर आपने भी क्लब बनाया, जैसे अभय ने बताया कि अभय ने क्लब बनाया, क्लब क्लब बनाया, मेरे हिसाब से आपके क्लब में जो क्लब की खास बात होती है, क्या मानते हैं कि क्लब में जब एक साथ जैसे एक जैसे लड़के आते हैं तो चैन तो सभी का ही हो जाता होगा, क्लब का एक लाभ तो है जी सर, कुछ एक मतलब होंगे तो आगे हो जाएंगे उनका चैन। हाँ लगभग क्लब में मतलब 12 लोग थे, मतलब टाइम लगा लेकिन आज 12 के 12 क्लब थे, ये बता रहे हैं कि इनके क्लब में 12 सदस्य थे, आज सभी 12 सदस्य क्या हैं चैनित, लास्ट में ही हूँ मतलब लास्ट है आ जाओ बैठे। अब है आपके क्लब में लगभग कितने लोग? सर जब पहले चलता था तब 8-10 बच्चे थे, फिर कुछ बच्चे बिखर बिखर गए, फिर जब SI के लिए चलाया था क्लब तो मुश्किल से 5-6 बच्चे थे, फिर लास्ट में 4 बच्चे बचे थे जिसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और 2 लोग फाइनल में मतलब बाहर हो गए थे, इसलिए हाँ रजत दीक्षित का तो हो ही गया जूनियर असिस्टेंट में, और CPO के भी वो तैयारी कर रहा है मेंस की, और सत्यम का इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि वो सिविल की तैयारी करता था तो उसकी थोड़ा मैथ रीजनिंग थोड़ा सा वीक थी इस वजह से। और हाँ हम लोग अगर आपको मोटिवेशन करेंगे तो केवल 1-day लेवल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिविल की तैयारी हम लोगों ने की नहीं है तो सिविल के कुछ आप लोगों को बता नहीं सकते कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी है, तो सिविल के सर ही बता पाएंगे। लेकिन मेन अधिकतर आप लोग यहाँ पर 99% लड़का इसी बात के लिए बैठा है कि कोई भी नौकरी क्या हो जाए मिल जाए, अब ऐसे ही है यहाँ पर सब जो आते हैं रेगुलर बैच में उनका उद्देश्य यही रहता है, तो उनकी कुछ बातें हैं जो मैं बोलता जाऊँगा, जैसे इन्होंने कहा कि 4 लोग बचे थे SI के लिए और टारगेट बैच बना के इन्होंने अपना क्लब बना करके किया, 4 में से सत्यम भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आज ये तो कल बहुत अच्छी जगह उनका हो जाएगा, और रजत का जूनियर असिस्टेंट में हो गया, और इनके क्लब से भी देखा तो तीनों लोग क्या हैं चयनित हो गए, और सत्यम निश्चित है कि आज और कल इससे भी बेहतर क्या आएगा उनका रिजल्ट आएगा, उम्मीद हम लोग ये लोग करते हैं, तो क्लब का तो एक एडवांटेज आपको मानना पड़ेगा सबको, कोर्स खत्म होने के बाद आपको क्या बनाने हैं क्लब बनाने, मैंने देखा कई बार हम लोग निकलते भी हैं तो देखते हैं कि बच्चे बैठे रहते हैं, हमें कमरे की दिक्कत होती थी कि कहाँ बनाएं कैसे, मतलब बहुत दिक्कत बड़ी समस्या, उन्होंने कह रहे हैं कि क्लब का जो है इनके साथ एक समस्या थी, जगह नहीं, क्लबों में कोई जल्दी अपना घर नहीं देता, ये बात होती है जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ क्लब बना लेके आ, जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरे यहाँ क्लब बना लेके आ, आप मेरे यहाँ क्लब बना लोगे, क्लब में कई चीजें होती हैं, अलग तरह के बच्चे आते हैं, थोड़ा शोर शराबा भी होता है, थोड़ी बातें भी होती हैं, कई बार घर ही में डिस्टर्ब होने लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप तेरे यहाँ ना बना लें क्या क्लब आज, तो मतलब ज्यादा 4 दिन मेरे यहाँ चल रहा है 4 दिन क्या चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या होती है रूम को लेकर के बहुत ज्यादा होती है दिक्कत, और संस्था में इतनी अच्छी जगह आपको मैं दे रहा हूँ, नीचे पूरा बनवा के दिया है आपको, मेरे हिसाब से इसका लाभ आपको बहुत उठाना चाहिए, ये केवल इसलिए क्योंकि बांदा के बच्चों की जो समस्या है वो सॉल्व हो, मेरे हिसाब से अब है इस समय 50 बच्चे क्लब में अध्ययनरत हैं, 8-8 बच्चे हैं सब इसमें जी जी। तो सलेस मतलब क्लबों के लिए आप लोगों को प्रेशर दे रहे हैं कि प्रेशर क्लब जरूरी है, क्लब जरूरी है, पहले तो आप अगर हो सके तो कोर्स अपना कंप्लीट करिए, अगर आप नोट्स भी पढ़ लेंगे सर के तो इतना इनफ है, और इसके बाद घटना चक्र कि मतलब 15 महीने बाद मोटिवेट, तो क्लब मोटिवेट भी करता है, क्लब मोटिवेट रेगुलरिटी बनाता है, जब आपसे अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे और वो सुनाएंगे आपको खुद में फील होगा कि मेरी मतलब कहीं ना कहीं तैयारी कमजोर चल रही है। मैं फर्स्ट टाइम क्लब गया था सर, तो मतलब ऐसे गया था फ्री में, चलिए ठीक है, तो अब मेरे आए -4 -5 मतलब गलत ज़्यादा बोल रहा हूँ और सही, और लड़कों के आ रहे हैं 36 नंबर 30 नंबर, तो फिर धीरे धीरे मतलब कितनी बार बेइज्जती करें, माइनस में नंबर आ रहे हैं 2 नंबर 4 नंबर, धीरे धीरे फिर मजबूरी भी पढ़ना कि अब यार पढ़ना ही पड़ेगा इस चीज़ को दोबारा, तो फेल वो पॉइंट मतलब 25 पैसे लगते थे, अच्छा फाइन फाइन लगता है,
फिर भी दो चार छः रुपये तो हो ही जाते थे, मतलब उससे मतलब नहीं पैसे से, लेकिन बेइज्जती होती थी कि हाँ। ऐसे ही एक बच्ची और आई थी दिव्या गुप्ता का सेक्शन था जूनियर सेक्शन में, तो सैलेस की कहानी है मुझे का सेम उसके भी। सैलेस कह रहे हैं कि हमने सर क्लब ज्वाइन किया तो नंबर कम आते थे, भाई जो पहले से है ऑलरेडी वो तो आगे ही चलेगा और आप उसके पीछे पीछे चलेंगे। हम कहते हैं हमारे माइनस में आते थे, माइनस में नंबर आते थे। यही हाल दिव्या गुप्ता का भी था जो जूनियर सेशन को लेकर, ये कहते कि हमने भी छोड़ा नहीं क्लब, हम लगे रहे, छोड़ना नहीं किसी चीज को, माइनस में आ चाहे जिसमें नंबर आए हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसमें लगातार संघर्ष करते रहना, आज तो कल सफलता मिले। एक प्रश्न है दोनों से, सैलेश सबने आप दोनों से, आप मेन क्या वजह मानते हैं कि सिलेक्शन हुआ, मतलब क्या है मेन वजह है, मतलब एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि किस कारण से आप संघर्ष भी किए, ठीक ठाक संघर्ष हुआ, लेकिन बहुत से लोग नौकरी नहीं पा पाते, इधर उधर बहक जाते हैं, आप क्या मानते हैं आप में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको नौकरी पाने में सफलता, मतलब उसकी मुख्य भूमिका है, कुछ दिमाग में ऐसा चलता हो? सर सफल होने के लिए वास्तव में एक वजह होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई वास्तव में वजह नहीं होगी तो आप सक्सेस, या तो आपकी सक्सेस बहुत लेट होगी या फिर सक्सेस आप नहीं हो पाएंगे। कई बच्चों को ये लगता होगा कि उनके पास कोई वजह है, उनके पास कई बच्चों को ये लगता होगा कि उनके पास वजह है कि मुझे कुछ करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने पापा के लिए पढ़ना है, घर वालों के लिए पढ़ना है, लेकिन कई बार ऐसा होता कि वो वास्तविक वजह नहीं होती। अगर मैं इनमें से आज के कई बच्चों से पूछूं कि क्या उनको अपनी वास्तविक वजह पता है कि क्यों कुछ करना है, जिस दिन अगर आपने अपनी वास्तविक वजह ढूंढ ली कि मुझे क्यों कुछ बनना है, क्यों कुछ करना है, तो उस दिन आप वास्तव में सफल हो जाएंगे। तो एक वजह होनी चाहिए, और वो वजह आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप पागलपन होंगे, तभी आप शिद्दत से पढ़ पाएंगे। मुझे प्रश्न है आपकी ऐसी कौन सी वजह बताओ बताओ ऐसी कौन सी वजह? मुझको भी जब मैंने सर तैयारी शुरू करी थी तो मुझे भी लगता था, मैंने ये रखा था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तैयारी करता रहा। फिर जब मेरा जेल वार्डन का सर वो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं रनिंग में फेल हो गया था, तब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा था कि अब कौन सा एग्ज़ाम है, क्या करूं, तो उस बीच में थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए फिर आगे की तैयारी करता रहूँगा। फिर कुछ समय बाद मुझे वास्तविक वजह अपनी मिली कि मुझे आखिर बनना क्यों है, वो वजह बताओ। वो वजह थोड़ा पर्सनल है, फैमिली रिलेटेड है।